कृष्ण राधा रानी संतुष्ट हो गए। बोले क्या चाहते थे? बोले प्रभु आपकी चरण की हम सेवा प्राप्त करना चाहते। बोले किस रूप में सेवा प्राप्त करना चाहते हो? क्या मेरे सखा सखी बनना चाहते हो? बोले नहीं नहीं, हमने इतने कोई सौभाग्य नहीं किया जो कि आपकी सखा सखी बन करके हम जन्म ले जाए, हम इतने सौभाग्य नहीं किया। बोले यहाँ के कोई पशु पक्षी बनना चाहते हो? नहीं, हमने इतने सौभाग्य नहीं किया ब्रज में कोई पशु पक्षी रूप में भी जन्म लेने का, हमारे इतना सौभाग्य नहीं किया। बोले यहाँ पर कोई कीड़े मकोड़े बन जाओ? बोले नहीं नहीं, कभी यहाँ के कीड़े मकोड़े बनने का भी हमारे सौभाग्य नहीं। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ब्रज में जितने कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ये जितने हैं ये सब के सब कृष्ण सेवा के लिए प्रकट हुए। तो गुरुदेव एक उदाहरण देते थे। बोले एक दिन श्री राधा रानी बड़ी मान की, इतने राधा रानी मान की श्याम सुंदर मनाते 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 थक गए। कृष्ण कहते भैया मेरे को गिरिराज उठाने में जितने शक्ति नहीं लगता है, कहते ये गिरिराज उठाने में मेरे को जितने शक्ति नहीं लगती है, ये पुतना तो मारने के लिए जितना शक्ति नहीं लगता है, हैं त्रिनावर तो अघासुर बकासुर को कालियों को दमन करने के लिए जो मेरे को शक्ति नहीं लगती है, अगर राधा रानी मान कर लेना फिर उसको मनाने के लिए तो मैं तो एकदम हार जाता हूँ, मैं हार जाता हूँ। राधा रानी जब मान करती है उनको मनाने के लिए मैं इतने कष्ट करता हूँ, इसलिए अभी राधा रानी की मान ही नहीं उतरा। इतने में राधा रानी तो मान करके कुंज से निकलते हुए जा रहे थे, कृष्ण तो दुखी हो गए। राधा रानी जब थोड़ी दूर गए ना, इतने में एक जहरीले काला सर्प ऐसे सर उठाकर खड़ा हो गया। जब राधा रानी उस सर्प को देख लिया उसको जब मान टालता ना वो सार मान खत्म हो गया, और राधा रानी भागते हुए आई कुंज में और श्याम सुंदर के गोद में लेट गई। तब गुरु जी कहते थे देखो जो काम को बैठ, कहते जो काम को कृष्ण भी नहीं कर पाए वो काम को किसने कर दिया? ये सांप ने वो काम कर दिया। इसलिए गुरुदेव कहते थे ब्रज का जो बिच्छू सांप है ना ये भी कोई साधारण ये नहीं, ये भी बैठक इसलिए वो भी कोई साधारण नहीं, वो भी बड़े भाग्य से कहीं जन्म हुए। इसलिए भगवान कहते क्या ये बनना चाहते? बोले नहीं नहीं। बोले फिर बोले प्रभु ब्रज में अगर हम पहाड़ रूप में हमारे जन्म हो जाए, पत्थर पहाड़ रूप में जन्म हो जाए, अगर आप हमारे सर के ऊपर में आप अगर लीला करोगे हम अपना जीवन को धन्य समझे। इसलिए देखो ब्रज की कितने महिमा है, स्वयं शंकर जी जो सत्यम शिवम सुंदर जो देव देव महादेव, कथा देव देव महादेव जोगी जोगी महाजोगी, लेकिन वो ब्रज में किस रूप में जन्म हुए? बोले पत्थर पत्थर पहाड़। हम जाएंगे श्री नंदगाम जाएंगे, वो नंदगाम नहीं वो नंदीश्वर महादेव है। जब आप पर्वत ऊपर में चढ़ोगे देखोगे वहां पर स्वयं शंकर ने ही ये पर्वत रूप धारण किए, कृष्ण जहाँ गोचारण करते थे उसको पर प्रभु लीला करते थे। कहते श्री बरसाना, कहते ब्रह्मा जी शंकर जी तो इसी रूप में, बोले ब्रह्मा जी कहते ब्रह्मा भी ब्रज में बरसाना, हम बरसाना जाएंगे आप देखोगे जब सीढ़ी में चढ़ते हुए जाओगे देखोगे वहां पर भी एक ब्रह्मा जी का स्थान है जहाँ पर तपस्या किया। बोले कितने तपस्या किया? बोले सुने ब्रह्मा जी 60,000 साल तक ये पत्थर बन करके तपस्या किया ब्रह्मा जी। जब भगवान संतुष्ट हुए बोले ब्रह्मा जी क्या चाहते हो? बोले प्रभु ये पहाड़ रूप में अगर हमारी जन्म हो जाए, अगर आप लीला करें तो हमारे जीवन सार्थक होगा। इसलिए वहां पर श्री राधा जी की स्थान है, बरसाना श्री राधा रानी का स्थान है। कहते श्री विष्णु जी, कहते ये गिरिराज गोवर्धन ये और कोई नहीं, कहते भगवान विष्णु ही ये पर्वत रूप धारण किया है, ये विष्णु पर्वत है एक इनकी। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश पर्वत में ब्रज में ये पहाड़ रूप में जन्म हुए। बोले क्यों? बोले कृष्ण सेवा करने के लिए, इसलिए उनका ये एक स्वरूप है। कहते नहीं क्या दूसरा स्वरूप क्या है? कहते ये स्वयं कृष्ण है, ये कृष्ण ही स्वयं है, हैं? इसलिए एक रूप में तो उन्होंने पूजा करवाए और दूसरे रूप में पूजा को स्वीकार किया। जिस समय ब्रजवासियों ने कृष्ण पूजा कर रहे थे, गिरिराज को अर्पण कर रहे थे,
इतने में स्वयं गिरिराज वहां प्रकट हुए, विशाल रूप दर्शन दिए। इसलिए कृष्ण ब्रजवासियों को बोले थे, बोले जो इंद्र को पूजा करते हो कभी देखे हो उसको? बोले नहीं। जब खाते हुए देखे बोले नहीं। बोले मेरे ठाकुर ऐसे के ठाकुर है ना जिनको साक्षात रूप में आंखों से दर्शन कर सकते हो, स्वयं देखोगे सब कुछ ग्रहण करते हुए, और जो कुछ इनको आप प्रार्थना करोगे वो सारी इच्छाओं को गिरिराज पूर्ण करेंगे। इसलिए गिरिराज का एक नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब जितने सारे इच्छाओं को पूरी करते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे जो व्यक्ति ये गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं कृष्ण स्वयं इनको पीछे 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 चलते हैं। बोले भैया इतने कष्ट करके ये इतना कष्ट क्यों कर रहा है, इतना कष्ट क्यों कर रहा है? जो कुछ मांगते हैं गिरिराज पास में गिरिराज जी वही दे देते हैं, वही दे देते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे जिसको जितने मंजिले मकान चाहिए, आप देखना जब परिक्रमा करोगे पत्थर के ऊपर में गिरिराज शिला के ऊपर शिला सब रखा हुआ है। बोले क्यों? बोले जिसको जितने मंजिले मकान चाहिए, जितने पत्थर के ऊपर जितने पत्थर रख लेते गिरिराज जी हमें उतना मंजिले मकान दे दो, गिरिराज उतना मंजिले उसको मकान दे देते। अब देखना पेड़ में सब धागा बंधा हुआ देखो। बोले क्यों? बोले जिनकी बेटियों की शादी नहीं होती है, बेटाओं का शादी नहीं, घर का बिजनेस नहीं चलता है, नौकरी चाकरी नहीं, कहते गिरिराज के पास में जाते हैं, उनकी अभिषेक करते हैं, पेड़ को पेड़ बांध देते हैं, उनके घर की सारी इच्छा पूरी हो जाती है। इसलिए गिरिराज सब कुछ गिरिराज, इसलिए इनका एक नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब इनसे जो मांगो गिरिराज जी आपको वही इच्छा पूरी कर देते हैं। श्री गिरिराज जी बोले श्री गिरिराज महाराज की, जोर से ग्रोन से बोले गिरिराज महाराज की। इसलिए ये गिरिराज की बड़ी महिमा, इसलिए गुरुदेव कहते थे ये जो संसार की जो विषय है स्त्री पुत्र परिवार दुनिया मकान दुकान, गिरिराज तो इसको आसानी से दे देते हैं, इसके लिए कष्ट करने का जरूरत नहीं, गिरिराज आसानी से दे देते हैं। गुरुदेव कहते तो अगर एक चीज मांगो सेट रखो वहीं पर रखो। इसलिए गिरिराज जी कहते हैं है? श्री गिरिराज यहाँ पर कहते गुरुदेव कहते हैं ये चीज को तो आसानी से देते हैं, लेकिन जब उनको एक चीज मांगो ना फिर गिरिराज चिंता में पड़ जाते हैं इसको दू कि नहीं दू। कहते वो क्या? बोले भक्ति, उनकी चरण की सेवा और भक्ति। जब उनको भक्ति इनके चरण की सेवा मांगते हो ना फिर गिरिराज चिंता में पड़ते हैं इसको दो कि नहीं दो, कौन आए जयदेव प्रभु उनको बुला दो, इसलिए उनको बुला दो। इसलिए कहते गिरिराज गोवर्धन है, कहते गिरिराज गोवर्धन ये चिंता में पड़ते उसको दो कि नहीं दो। बोले क्यों गिरिराज चिंता में क्यों पड़ते हैं? बोले कारण है कहते ये दुनियादारी वस्तु देख करके गिरिराज छुट जाते हैं, भैया ले लो इसलिए तुम इस चीज को ले लो और तुम सुखी रहो लेकिन मेरे को तंग मत किया करो। लेकिन जब इसको भक्ति देते हैं ना जैसे मैया जसोदा क्या करती है, कन्हैया कभी अगर मक्खन खा लिया ना बोले लाला तेई ने मक्खन खाई है, कभी मिट्टी खाई तो मैया सीधा जाकर कान को पकड़ती है और कहीं नहीं कान को पकड़ती है, है? कभी अगर उल्टा पुल्टा करते उसको डांट लगाती है टपटती है। कहते ये अगर उनको भक्ति दे दिया ना भगवान उसका प्रेम में बसीभूत होना पड़ता है, कहते छचियावर छाछ पे नाच नचा फिर उनको नाचना पड़ता है भक्ति को सामने, लेकिन भगवान सभी की है छाछ पर नाचना नहीं चाहते हैं, सभी की प्रेम में बसीभूत होना नहीं चाहते। गुरुदेव कहते हैं वो भी दे देते हैं लेकिन पहले तो उनको वंचना करने के लिए कोशिश करते हैं कि दुनियादारी वस्तु ले और चले जाए, लेकिन जब जो कोई नाछड़ा बंधा हो जाता है ना नहीं हमको तो इसके सिवाय और कोई चीज हमें चाहिए नहीं फिर तो उनको देना ही पड़ता है, है? लेकिन भगवान उसको भी देते हैं भक्ति भी देते हैं श्री गिरिराज गोवर्धन। इसलिए कहते गिरिराज की जो दूसरे स्वरूप जिस समय ब्रजवासियों ने देखा विशाल काय सबके सब दर्शन कर रहे थे विशाल काय रूप में प्रकट हुए और गिरिराज कह रहे थे हैं देखो सबके सब देखो मैं स्वयं श्री गिरिराज गोवर्धन हूँ, आज का दिन मेरी गिरिराज की पूजा में जो एक अन्न की दाना मेरी पूजा में लगा दिए किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र का भी अभाव नहीं पड़ेगा। अगर जो मेरे को अनादर करेगा
कहते गिरिराज पूजा को जो अनादर करेगा वो जन्म जन्मा तो मैं कांगाल बनकर भटकते रहेगा। इसलिए कहते मैं देखो मैं वही श्री गिरिराज गोवर्धन। इतने में ब्रजवासियों ने कहा भैया दाल में कुछ काली लग रहा है, दाल में कुछ काला लग रहा है। बोले क्यों? ये कन्हैया तो छोटो से, कन्हैया से छोटो से, लेकिन ये कन्हैया जैसे ही गिरिराज के तो को इनकी चेहरा में पूरा पूरा मिल रहा है। हो ना हो यही तो गिरिराज गोवर्धन ही बन गया है। इसलिए बोले दाल में जो काली है, बोले दाल में काली नहीं पूरा ही पूरा काली है। ये और कोई नहीं, ये कृष्ण ही। यदि ये कृष्ण ही स्वयं श्री गिरिराज गोवर्धन, ये कृष्ण ही धारण किया है श्री गिरिराज महाराज के रूप है। इसलिए इनकी जो दूसरे स्वरूप, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु है, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को कल सुन रहे थे ना, उन्होंने उनको दो चीज दिया है। एक श्री गिरिराज गोवर्धन दिया और दूसरे उन्होंने दिया है श्री गुंजा माला दिया है। बोले देखो ये जो गिरिराज गोवर्धन है, ये गिरिराज गोवर्धन नहीं, ये स्वयं श्री कृष्ण है, ये कृष्ण है। और ये जो गुंजा माला है ये और कोई नहीं, ये श्रीमती किशोरी जी है, श्री राधा रानी है। इसलिए महाप्रभु स्वयं बताए ये गिरिराज गोवर्धन नहीं, ये स्वयं श्री कृष्ण ही। ये गिरिराज के रूप जो धारण किया हुआ कि कृष्ण ही स्वयं श्री गिरिराज बाबा है, श्री गिरिराज। इसलिए श्री गिरिराज गोवर्धन कृष्ण और थोड़ा प्रभु जी और थोड़ा एकदम अंदर घुस जाओ, और थोड़ा अंदर आ जाओ, एकदम अंदर घुस जाओ। तो तुम वही बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, लंबा कर बैठ जाओ। हरे कृष्ण, बोले गिरिराज महाराज की जय। इसलिए कहते जो गिरिराज गोवर्धन ये कहते कृष्ण का रूप श्री गिरिराज गोवर्धन है, कृष्ण इनका ये दूसरा स्वरूप है। कहते कि तीसरा स्वरूप क्या है, कहते इसको श्री राधा रानी स्वयं अपना मुंह से ये बात को बताती है। कहते ये बेणु गीत में ये श्लोक आता है, बोले हंताय अद्रि अबला हरिदास वज्य चत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमोदम मानम तनोति सह गो गणयोर वहसै। इसलिए बात को श्री राधा रानी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले हंताय अद्रि अबला हरिदास वज्य। कहते ये श्लोक को राधा रानी कब कह रही है, कहते ये श्लोक आता है वेणु गीत में, ये श्लोक आता है भागवत में, पूरा वेणु गीत के ऊपर में ये संपूर्ण पूरा वेणु की महिमा वेणु गीत के कथा है उसी में ये श्लोक आते हैं। बोले कहती है कब, बोले जिस समय से राधा रानी गोपियां अभी घर में बैठी है, अभी कृष्ण अपना सखाओं के साथ में गैया चराने के लिए जंगल में गए, अभी ये गोपियां अपना घर में बैठी करके अपना दिव्य दृष्टि से कृष्ण लीलाओं को दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते हुए तब ये श्लोक कहती है, कहते भैया जगत में अगर कोई धन्य है ना, बोले कौन धन्य है, बोले जो मेघ है ना ये जीवन में, इनका जीवन धन्य, हम तो अधन्य है, हमारा जीवन तो बेकार हो गया। बोले क्यों, बोले कृष्ण जब गोचारण करते हैं अब कृष्ण का रंग और मेघ का रंग बराबर है, इसलिए मेघ क्या समझता है ये मेरे मित्र है। इसलिए जब कृष्ण गैया चराते हैं मेघ आकाश में छा जाती है, और कृष्ण जब चलते समय उनको जैसे फौरा में जल पड़ता है ना, ऐसे ही मेघ रिमझिम 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 बारिश करके कृष्ण को फौरा जैसे पानी दे रहा है, और उनके सर के ऊपर में छतरी धारण करते हुए हैं, इनको मेघ नहीं जैसे धूप में कोई छतरी धारण कर ले, ये ऐसे ही ये छतरी धारण करके रखा। इसलिए अगर किसी जीवन का धन्य है ना राधा रानी देती है, अगर मैं मेघ बन जाती है ना फिर तो कृष्ण को मैं सेवा कर सकती थी, लेकिन मैं दुर्भाग्य हूँ, जीवन धन्य तो इन्हीं जीवन धन्य। अगर जिसकी जीवन धन्य हो तो कहते स्वर्ग के देवियों का जीवन धन्य है। बोले क्यों, बोले कृष्ण जब गोचारण करते ही, अभी कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते ही, बंसी ध्वनि को सुन करके जितने देवियां होती हैं, हैं देवताओं के साथ में देवियां कृष्ण बंसी ध्वनि सुन करके आते हैं, आ करके कहते कृष्ण को रूप दे करके कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके उनका जो चोटी है ना ये भी खोल जाती है,
और उसमें जो फूल से उसको श्रृंगार करके रखी वो एक एक फूल कृष्ण को गिरता है, हैं? इनको फूल गिरता है, लेकिन कृष्ण का रूप देख करके कदे स्वर्ग के देवियां भी मुक्त हो जाती है, लेकिन उनको साथ में जो पति बैठे हुए होते हैं ना उसमें दुखी नहीं होते, सुखी होते हैं। देखो अगर जीवन धन्य है ना, ये पत्नी की वजह से हमारा जीवन भी धन्य है। क्यों? देखो हमारी जो पत्नी, इनकी भावना देखो कृष्ण के प्रति कितने सुंदर भावना। हम तो प्रभु की भक्ति नहीं कर पाए, सेवा नहीं कर पाए, कम से कम हमारी पत्नियां तो कृष्ण के प्रति इनकी प्रेम है ना, इनकी संबंध की वजह से हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। लेकिन राधा रानी कहती, गोपियां कहती है, लेकिन हमारे पतियों को देखो अगर इनको थोड़ी सी भनक लग जाए ना, हम कृष्ण को प्रेम करते। बोले कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, हैं? क्या कर रही थी, इतने लेट क्यों हो गया, हैं? एक तो भजन करने देते नहीं, कुछ करते नहीं, हमें भजन करने भी देते नहीं। इसलिए कर जीवन धन्य तो इनका जीवन धन्य है, कर जीवन धन्य तो किसका जीवन धन्य? बोले वन का, हिरणियों का जीवन धन्य। बोले क्यों? बोले कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके कहते जितना हिरणिया सबके सब आगे चलती है, और उनका जो पति लोग है ना वो पीछे 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 पति लोग चलती है, और हिरण कृष्ण को दर्शन नहीं करती है, आंख रूपी प्रदीप को तरह कृष्ण को ये आरती उतारती है, कृष्ण को ये आरती उतारती है कृष्ण को, है? लेकिन हमारे पति लोग हमें मदद नहीं करते हैं, बल्कि ताना मारते हैं, हैं? कि क्या सब तिलक लगा दिया, कंठी बहन लिया क्या सब माला पकड़ लिया तुमने, हैं? ये सब कोई इसलिए भक्ति करते नहीं और भक्ति करने देते भी देते ही नहीं। इसलिए यहाँ पर श्री राधा रानी ये ब्रज गोपियां घर में बैठ बैठ करके, हैं? कहते वन में जितने सब पक्षी है ना, प्राय पितंगा बिहंगा मन मुनि मुनि अस्मिन, लगता है वृंदावन में जितने चिड़िया है पक्षी है वो सबके सब मुनि है, क्योंकि कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं वो बंसी ध्वनि सुन करके, हैं? कहते बंसी ध्वनि सुन करके जितने वहां के पक्षी है सबके सब मुनि बन जाते हैं, जैसे मुनि एकदम ध्यान में बैठ जाते हैं, और उसी तरह ये पक्षियां तोते भी कृष्ण का बंसी ध्वनि सुन करके मुनि जैसे आंख बंद करके कान रूपी दौड़े में कहते कृष्ण की बंसुरी की आवाज को सुनती रहती। अगर धन्य हो तो ब्रज का कौन है? कहते पक्षियां धन्य है ब्रज की। अगर धन्य हो तो यहाँ की गैया बछड़ा धन्य है, क्योंकि कृष्ण का बंसी ध्वनि सुनकर गैया जो घास खाते हैं वो घास खाते खाते अगर बंसुरी बजे ना वो मुंह में घास जैसे को तैसे रह जाती है, जैसे छवि है ना, जैसे उसमें कोई छवि जैसे स्टैचू होता है, पूरा कृष्ण के बंसी ध्वनि सुनकर के स्टैचू जैसे बन जाती है। और बछड़े दूध पीते पीते जब अगर कृष्ण बंसुरी बजाए बस दूध पीना वहीं पर बंद हो जाती है, और दोनों धारों से दूध चुचुआ करते हुए पृथ्वी को ऊपर गिरती है, ये पृथ्वी मानो जैसे दूध पीती है। इसलिए यहाँ पर कहते ये श्लोक तभी यहाँ पर कहती है गोपियां राधा रानी, कहते अगर जीवन धन्य हो तो इन लोगों का जीवन धन्य है, हमारा जीवन तो अधन्य है। लेकिन प्रश्न है फिर हमारी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है, हमारी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? कहते अगर पूरी हो सकती तो इच्छा केवल गिरिराज गोवर्धन की कृपा से हो सकती है। इसलिए राधा रानी कहती हैं अगर हमारी इच्छा पूरी होगी ना ये गिरिराज गोवर्धन की कृपा से ही ये इच्छा हमारी पूरी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो शब्द प्रयोग करते हैं हंताय अत्रि अबला हरिदास मर्ज्य, हंताय मतलब उसका दो अर्थ कहते हैं, एक तो आश्चर्य होकर के, हैं? एक आश्चर्य होकर कहते हैं अगर किसका अगर कभी हमारे जीवन धन्य होगा तो कैसे इच्छा धन्य होगा? बोले गिरिराज की कृपा से ही ये हमारी इच्छाओं को पूरी हो सकते हैं। बोले क्यों? बोले जो गिरिराज गोवर्धन है कौन है? बोले ये हरिदासों में सबसे बड़े श्री गिरिराज गोवर्धन, हरिदासों में सबसे बड़े हरि थी हरिदास ही गिरिराज गोवर्धन। इसलिए यहाँ पर कहते हैं महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नायक है। इसका मतलब है जब तक कोई किसी महान संतों की कृपा नहीं हो, जब तक किसी महान साधुओं की कृपा नहीं हो, भले ही तुमने जो कुछ कर लो किसी तरह से भगवत भक्ति प्राप्त तुम नहीं कर सकते। अगर भक्ति मिलेगा तो साधु कृपा से मिलेगा, इसलिए बोले भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते। भक्ति कैसे मिलेगा? बोले भक्तों का संग से,
जिसको गोस्वामी जी कहते हैं बिनो सत संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए बिनो सतसंग विवेक न होई, जब तक हम साधुओं का संग नहीं करते हैं तब तक हमारे ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होगा तो प्रभु का भक्ति कैसे करेंगे। बोले राम कृपा बिनो सुलभ ना सो, जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तक साधु संघ हमें नहीं मिलेगी, है नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पर जो हम आए हैं किसकी कृपा से, गुरु जी की कृपा से, संतों की कृपा से, तभी तो आए ना। तिलक कंठी माला जो पहने कैसे कैसे हुए, ये लोग रशिया में होते हुए भी देखो, ये लोग रशिया में रहते हैं, रूस की रशिया में रहते हैं, लेकिन वहाँ रशिया से होते हुए अभी देखो तिलक गला में कंठी माला इसको धारण करके रखे, कहाँ इतने दूर में रहते हैं तेजी जी, लेकिन ये लोग इस कंठी माला, लेकिन हमारे भारत में है कोई, लेकिन अगर संतों का संग नहीं मिला अभी भी भक्ति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं विदेश जैसे खान पान रहन सहन करे, लेकिन वो लोग चाहते हैं हमारे भारत जैसे खान पान रहन सहन करे। रशिया में लड़कियां, रशिया में लड़कियां सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, जानते हो किसी चीज के लिए, कहते हम साड़ी पहन करके क्यों कॉलेज में नहीं जा रहे। रशिया में लड़कियां इसको लड़कियां सरकार से केस कर रहे हैं, हम साड़ी पहन करके क्यों कॉलेज में नहीं जाए, लेकिन हमारे देश के लड़कियां हम जीन्स पहन करके क्यों कॉलेज में नहीं जाए। कितना अमेरिका है, इसलिए देखो ये रशिया के कैसे है, कैसे धोती लड़के कैसे धोती पहनते हैं, कैसे इसलिए ये लोग हमारे कहते हमारे कल्चर को ये अपनाना चाहते हैं। कारण है ये लोग को समझ में आपने आ गया भैया शांति सुख हो तो हमारे भारतीय संस्कृति में, लेकिन वहीं पर रहते हुए इनके साधु संग मिला, संतों के संग वहां पर मिला उन्हें पर क्या हुआ, रशिया में होते हुए भी क्या ये लोग भक्ति करते हैं, हरिनाम करते हैं, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन चाय तक भी ये लोग नहीं पीते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, तिलक लगाते हैं, हरिनाम भजन करते, बोले क्यों, बोले महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं। जब तक किसी साधु की कृपा नहीं हो, जब तक कोई महान संतों की कृपा नहीं हो, किसी तरह से भगवत भक्ति होने का कोई चांस नहीं। इसलिए भागवत में श्री रघुगण महाराज है, श्री भरत भरत महाराज कह रहे हैं रघुगणी तपस्या न जाति न इच्छया न निर्वाप न गृहत्वा नैव छंदसा नैव जलाग्नि बिना महत पदो रज विषकम। यहाँ पर भरत महाराज कह रहे हैं हे रघुगण महाराज, रघुगणी तपस्या, तपस्या के द्वारा भी तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो, न जाति उच्च कुल में जन्म लेकर के भी तुम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हो, हाँ ना निर्वाप ना गृहत्वा, तुमने घर संसार छोड़ दिए, बोले उससे भी नहीं प्राप्त कर सकते हो, ना विजया हैं पूजा पाठ के द्वारा नहीं कर सकते हो, नहीं वो छंदसा कहते तो वेद पुराण को पढ़ करके भी तुम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हो। बोले फिर होगा कैसे, बोले हो सकता है एक उपाय है बिना महत पदो रजो भी से, बोले जब तक तो कोई महत व्यक्ति, जब तक तो कोई महान पुरुष साधु के चरण को आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं, भले ही जिंदगी में जो कुछ कर लो कुछ होने वाले नहीं। इसलिए साधु की कृपा से ही कल्याण होगा, जिसको प्रहलाद महाराज कहते हैं नैसांग मति स्तावत उरु क्रमांग्री स्पिसार्थ अनर्थ अपगमम जदर्थ मही असाम निष्किंचनानम न पिंड जावा, कि तब तक ये मति भगवत चरण में नहीं लग सकता है। बोले कब तक, बोले जब तक कि निष्किंचन किसी साधु की शरण में तुम नहीं जाओगे, नहीं जाओगे उनकी शरण में, भले ही जो कुछ कर लो तुम्हारी मति कभी प्रभु के चरण में लगी नहीं सकती है। इसलिए यहाँ पर गोपियां कह रही है, राधा रानी कहती है हंता या अद्री अवला हरिदास वर्ज्य, कह रहे हैं ये गोवर्धन कौन है, बोले हरिदासों में सबसे बड़े हैं, हरिदासों में हरि के भक्तों में ये सबसे बड़े गिरिराज गोवर्धन है, हैं सबसे बड़े गिरिराज गोवर्धन है सबसे बड़े। जब तक ये गिरिराज की कृपा नहीं हो भैया हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए चलो हम सबके सब श्री गिरिराज में जाते हैं,
अरे वहां पर मानसी गंगा है ना, देखे ना मानसी गंगा, यहाँ पर मानसी गंगा में स्नान करेंगे और जो हरिदेव है कहते श्री हरिदेव को दर्शन करेंगे, मानसी गंगा में नहाते हुए हरिदेव को दर्शन करेंगे, फिर इनकी कृपा होगा तो फिर तो कृष्ण दर्शन हमें हो सकती है। इसलिए चलो हम सब के सब गिरिराज तलहटी में जाकर के श्री हरिदेव को दर्शन कर गंगित मानसी गंगा में नहाएंगे है, फिर तो हमें कृष्ण दर्शन होगा। इसलिए श्री गिरिराज गोवर्धन क्यों इनको हरिदास वर्ज्य बताया, इनको तीन हरिदास बताया, पहला नंबर श्री युधिष्ठिर, दूसरा नंबर श्री उद्धव जी और तीसरा नंबर श्री गिरिराज गोवर्धन। क्यों एक हरिदास पर एक हरिदास वर्ज्य, बोले हरिदासों में जो सर्वश्रेष्ठ है कौन, श्री गिरिराज बाबा, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। हम इसको कल सुनेंगे, इनको हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ क्यों बताया गया, इनके अंदर में क्या चीज है। अभी हमारे यहाँ पर दो गुरु जी के शिष्य बैठे हैं, ये आपको थोड़ी थोड़ी गिरिराज की अभी कथा सुनाएंगे, हमारे हर्ष और मोहित ये दोनों बच्चे सुनाएंगे, ये दोनों बच्चे अच्छे नौकरी करते दिल्ली दिल्ली में नौकरी करते थे और वृंदावन में आते हैं, बीच बीच में हमारे वहाँ परमेश्वरी प्रभु है वहाँ कथा सुनते हैं, शनिवार संडे को आकर रहते थे, लेकिन नौकरी करते करते धीरे धीरे दोनों शादी नहीं किए, दोनों मित्र एक साथ में रहते थे शादी नहीं किए, अभी उन्होंने अपना नौकरी छोड़ करके वृंदावन में आ गए, आ करके वहीं से काम करते हैं, वहीं से काम करते हैं वृंदावन कंप्यूटर में काम करते हैं, तनख्वाह थोड़ी बहुत मिलते हुए नहीं, भजन करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है, भक्ति करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है, अभी वहीं पर रह करके बस हरि कथा कीर्तन भजन करते हैं, वहीं पर कंप्यूटर में काम करते हैं, थोड़ी बहुत पैसा मिल जाता है और प्रभु की भजन करते हैं। अभी ये थोड़ी थोड़ी गिरिराज की कथा सुनाएंगे, आप थोड़ी थोड़ी इनसे कथा सुना, ठीक है, बोले गिरिराज महाराज की जय, जय श्री राधे श्याम। ज्ञानांजनशलाक्य चक्षुरुन्मीलयति तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामीति नामिने। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्यलीला पर विष्ट हूँ, विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं मेरे दीक्षा गुरुपाद पद नित्यलीला पर विष्ट हूँ, विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के चरण कमल में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात में पूज्यपाद भक्तिविनाथ श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। उपस्थित वैष्णव और वैष्णवों के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद महाराज जी की आज्ञा हुई है, कल ही महाराज जी ने बोला था कि आपको गिरिराज जी पे कुछ आज बताना है कथा, तो जैसे महाराज जी और वैष्णव के मुख से हमने सुना है वैसे ही बताने की चेष्टा करेंगे। आज जैसे हम सुबह सब लोग, आज दीपावली है तो आज सुबह सब लोग हम मानसी गंगा पे गए, मानसी गंगा में हमने श्री हरिदेव जी के दर्शन किए सबसे पहले, उसके बाद साथ में ही मनसा देवी का मंदिर है वहां पे दर्शन करके साथ में ब्रह्मकुंड के प्रणाम करते हुए हम फिर परिक्रमा करते हुए मानसी गंगा की आगे बढ़े और फिर सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी और वहाँ चकेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हुए वापस आए। तो इस पे ही थोड़ा मैं बता देता हूँ जितना गुरुमुख से सुना है कि इन जगहों की क्या महिमा है, स्थानों की। जैसे महाराज ने बताया कि गिरिराज जी के तो कण कण में भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई है, गिरिराज जो है इसमें भगवान की सख्या रस की, वात्सल्य रस की, मधुर रस की, हर प्रकार के जितने भी रस है हर प्रकार की लीलाएं गिरिराज जी में हुई है। और गिरिराज जो है हरिदासों में, जैसे कि महाराज ने बताया हरिदासों में भी श्रेष्ठ है। कल सुंदर गोपाल प्रभु ने यहाँ कथा की थी तो उसने बताया था कि गुरुदेव बताते थे कि गिरिराज जी के दो स्वरूप है, एक तो गिरिराज जी कृष्ण ही है, कृष्ण ही गिरिराज जी है, दूसरा स्वरूप इनका जैसे कि गोपियों ने इनकी आराधना की भगवान के भक्तों के रूप में, तो हमें किस रूप में करनी है। तो उसने सुंदर गोपाल प्रभु ने जैसे इलस्ट्रेट किया था कि हमें भक्तों भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ गोपियों ने जैसे आराधना की कि यदि कृष्ण का ही रूप है, कृष्ण से अभिन्न है गिरिराज जी, लेकिन भगवान के गोपियों ने जैसे कहा कि गिरिराज जी जो है वो भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ है, अर्थात ये भगवान के भक्त हैं, तो उस रूप से हमें उनकी आराधना करनी होगी, भक्तों की कृपा से भगवान की भक्ति मिल सकती है। तो इसी तरह से
यहाँ पे गिरिराज जी में बहुत सारी लीलाएं हुई हैं और ये भगवान की भक्ति और में देने में पूरा जो सुलभ जो सबसे मार्ग है वो यही है। जैसे कि हमारे गुरुदेव बताते थे महाराज जी कि आप जब गिरिराज जी परिक्रमा करना, जैसे कि महाराज ने बताया कि गिरिराज जी को हर वस्तु देते हैं, तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि आप गिरिराज जी की परिक्रमा करना लेकिन मांगना कुछ मत। अपने शिष्यों को बोलते थे मांगूंगा तुम्हारे लिए मैं। ऐसे एक संत मिलेंगे किसी को, जैसे एक बच्चे को पापा बोले कि जाओ बाजार जाओ खरीदारी कर आओ, नोट करवा आया मैं सारा पैसे दे दूंगा, अर्थात जो करना है करके आ जाओ, सारा जिम्मेवारी मेरी है। तो इसी तरह से गुरुदेव कहते थे कि तुम परिक्रमा करके आ जाना आराम से, तुम्हारी तरफ से मांगना मैं, तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हें क्या मांगना है। तो ऐसे संत हमें मिले हैं जो कहते थे क्योंकि उनको पता है कि हम फिर फंस जाएंगे। वो गिरिराज जी तो सर्वविष्ट पदार्थ है, जो मांगेंगे वही दे देंगे, और वो जो हम ऊपर से मांग रहे हैं वो नहीं देंगे, जो परिक्रमा करते हुए हमारे हृदय में जो चल रहा है वही गिरिराज जी हमें देंगे, क्योंकि भगवान के हृदय में वास करते हैं। तो इसीलिए गुरुदेव कहते थे कि तुम परिक्रमा तो करना लेकिन भगवान से गिरिराज जी से कुछ मांगना मत, मांगूंगा तुम्हारे लिए मैं। ऐसे हमें गुरु मिले हैं। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं यहाँ पे आए हैं, सब लोग गुरुदेव की कृपा से यहाँ पे प्रसिद्ध हुए हैं। तो लेकिन उससे भी अधिक सौभाग्य तब होगा जब हम उनकी महिमा को, गिरिराज जी की महिमा को जाने की, जैसे कि तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई जैसे रघुपति जल के चिकनाई। क्या अर्थ है इसका कि जब तक किसी वस्तु को हम जानते नहीं है उसकी महिमा को तो प्रतीति नहीं होती, और जब तक प्रतीति नहीं होती तो प्रीति नहीं होती। जब तक हम यही जानते हैं हमारा किसी वस्तु किसी के साथ रिलेशन क्या है, तब उस हिसाब से हमारा उनके साथ संबंध बनता है, उसके हिसाब से हमारे अभावों का आदान प्रदान होता है। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारे लिए गिरिराज जी है क्या, भगवान की भक्ति है क्या, गुरु की क्या महिमा है, तब तक हमारी जब तक ये प्रतीति नहीं होगी तब तक हमारी प्रीति नहीं होगी उससे। और प्रीति के बिना क्या होगा, भक्ति दृढ़ नहीं होगी। कैसे दृढ़ नहीं होगी, कहते जैसे जल की चिकनाई कभी ठहरती नहीं है, जल के जहाँ पानी गिरता रहता है वहाँ चिकनाई हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा भी हिलाने से वो चिकनाई बह जाती है। उसी तरह से जब तक हमारी प्रीति नहीं होगी भक्ति दृढ़ नहीं होगी, और प्रीति कब होगी जब हमें प्रतीति होगी, प्रतीति कब होगी जब हम जानेंगे। तो जानेंगे कैसे हम, जब हम कथा सुनेंगे। तो इसीलिए कथाएं जो है, जैसे महाराज जी हमको रोज कथा करते हैं, तो हमें कथा में जरूर आना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। यहाँ आने का यही लाभ है, इधर उधर घूमते रहो क्या फायदा, सोते रहो। अगर यहाँ आए हैं सौभाग्य से तो हमें कथा में जरूर आना चाहिए। तो आज की जैसे हम बात कर रहे थे मानसी गंगा गए थे, तो मानसी गंगा जी का जो प्रागट्य है वो आज के दिन ही हुआ है। ये हमारे गुरुदेव की परिक्रमा है, बहुत तरीके से स्कैनिंग की हुई है, इसमें इतना सुंदर है। सारी जगहों पे हम जिन जिन जगहों पे भी जाते हैं परिक्रमा में, उन उन जगहों पे उस दिन की विशेष महिमा है। जैसे अभी नंदगांव जाएंगे जिस दिन हम, तो नंदगांव में तेर कदम जिस दिन हम जाएंगे उसी दिन गोपाष्टमी है, उसी दिन भगवान ने गईयों को चराने की जगह ले थे तेर कदम से, तो गुरुदेव ने परिक्रमा को इसी हिसाब से सेट किया हुआ है। हमारे गुरुदेव की इतनी कृपा है, अगर हम थोड़ा सा भी उसको समझने की चेष्टा करें तो हमें पता चलेगा। तो आज के दिन ही मानसी गंगा का प्रकट है, और आज के दिन हम सब लोग मानसी गंगा की पूजा करेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान और ब्रजवासियों ने आज के दिन ही, कृष्ण भगवान ने अपने हृदय से मन से मानसी गंगा को आज के दिन ही प्रकट किया है। तो इसलिए कथाएं आती है दो की मानसी गंगा का प्रकट है कैसे हुआ। उसका एक अर्थ है कि एक बार जो यमुना जी हैं उन्होंने गंगा जी जो है उन्होंने यमुना जी को प्रार्थना करी कि जैसे कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, लेकिन जो भगवान है उनकी जो लीलाएं होती हैं, भगवान विहार तो आप में ही करते हैं, मैं तो सिर्फ भगवान के चरणों की धोबन हूँ, तो मैं तो भगवान के चरणों से निकली है ना गंगा जी। तो कहते हैं आप ऐसी कुछ कृपा करो मुझ पर भी, भगवान कृपा करें और मुझ में भी भगवान विहार करें। तो कहते यमुना जी ने फिर भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करी। इस तरह से फिर क्या हुआ कि एक दिन आज के दिन ही जब नंद बाबा सुबह सुबह कहीं जाने के लिए उद्यत हुए, तो बाबा नंद बाबा को कृष्ण भगवान ने पूछा बाबा कहाँ जा रहे हैं, तो कहते लाला मैं जो हूँ गंगा जी में स्नान करने जा रहा हूँ। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम गंगा जी को यही बुला दो अगर, कहते ठीक है लाला। तो उन्होंने नंद बाबा भगवान को मानते कृष्ण को, तो भगवान ने अपने मन से गंगा जी को प्रकट कर दिया। ये वही मानसी गंगा जिसको भगवान ने अपने मन से प्रकट किया, और यही पे भगवान ने फिर विहार किया है। इस लीला को हमारे रघुनाथ स्वामी विष्णु चौपति पाद ने गाया है, कैसे यहाँ पे नौका विहार लीला होती है, कैसे यहाँ पे वो सुंदर लीला है, वो महाराज जी हमें सुनाएंगे अभी आगे आने वाले दिनों में। इसलिए कृष्ण सोच रहे है ये ब्रजवासी अभी नरम लीला कर रहे है ना, ये ब्रजवासी साधारण नहीं है, इसलिए कृष्ण सोच रहे है ये ब्रजवासी नरबद लीला कर रहे हैं इंसान जैसे, लेकिन इसलिए कहते हैं ना रस खान के, तो बोले कीरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ,
केशव की कैली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिनी की द्वार पहे बसत है हरिद्वार। बोलो की बोल ची बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। बोले स्वर्ग अप वर्ग हम ले कर करेंगे किया, जानते नहीं है कि हम श्री वृंदावन वासी। इसलिए वृंदावन वासी कोई साधारण नहीं, यहाँ पर एक प्रयाग कोटि कोटि प्रयाग कोटि कोटि काशी कोटि कोटि केदारनाथ बसत दास दासी है। इसलिए गंगा कौन है, कहते गंगा बामन देव के चरण से निकली गंगा। बामन देव कौन है, बोले कृष्ण से अभिन्न बलदेव प्रभु, उनसे शंकर सर, उससे कारण दुख साई विष्णु, कारण दुख साई विष्णु से ही सारा अवतार निकला। बोले कृष्ण का अंश का अंश का अंश ही बामन देव, और उनकी चरण से निकले कौन, ये गंगा उनकी चरण से निकली गंगा। मतलब गंगा बसत दास दासी है, कहते गंगा तो मेरी दासी है, हैं मेरी दासी है गंगा है। लेकिन देखो ये ब्रजवासी कितने भोले वाले, हैं नंद बाबा घर पान खाते ना कभी, कन्हैया क्या करते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना बाप पिताजी को मुंह में अंगुल डाल करके पान झूठा पान निकालते हैं, और जैसे बच्चे लोग खाते हैं ना ऐसे खाते हैं। नंद बाबा जब एक तरफ में दाऊ भैया एक तरफ में कन्हैया को बैठा देते हैं, बैठा कर जैसे कड़ी चावल खा रहे हैं, एक और खुद खाते हैं, एक कबर कन्हैया पिला तो एक और श्री दाऊ भैया खिलाते एक प्लेट में। मतलब कृष्ण किसका झूठ में खा रहे हैं, एक थाला में खा रहे हैं ना, नंद बाबा खा रहे हैं झूठा, वही झूठा क्या करते हैं बच्चों को खिला रहे हैं। कचरी का झूठन खाता हूँ, अगर नंद बाबा बोलते कन्हैया लाला मेरे थोड़ा खड़ाव लेगा, कन्हैया टुकुम टुकुम कर चलते हैं, हाथों में नहीं खड़ाव को कृष्ण सर पर रख करके उठते गिरते पड़ते हुए आते हैं। नंद बाबा सोचते हैं देखो मेरे लाला कितने अच्छे हैं, मैंने बोला खड़ाव ले आओ हाथों में नहीं सर पर लेकर आ रहा है। लाला जो बड़ा होगा ना पिता माता का बड़ा सेवा, पिता माता का बड़ा सेवा करेगा मेरे लाला। इसलिए जिनकी खड़ाव को कृष्ण स्वयं धारण करते हैं, जिनका झूठन खाते हैं, कृष्ण सोच रही है ब्रजवासी को बता रहे हैं, इनके चरण की धूल में कोटि कोटि काशी कोटि कोटि प्रयाग कोटि कोटि गंगा यमुना विद्यमान। लेकिन ये लोग क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ये लोग जाएंगे गंगा और हरिद्वार इतने दूर तक चलकर भी जाके स्नान कृष्ण करेंगे। बोले गंगा में नहाना चाहते हैं, इनको इनको पता ही नहीं महिमा मरी। इसलिए बोले गंगा तो यहीं पर आ जाएगी, बोले बोले गंगा यहीं आ जाएगी। बोले हाँ इतने में कृष्ण अपना मन में स्मरण करते हैं, गंगा कलकलनाथ तुम तो दासी है ना उनका, इसलिए उनके दासी है ना शंकर जी गंगा को सर पर धारण करते। बोले क्यों, तो कृष्ण का चरणा मृत है, कृष्ण का चरणा मृत हो उनको आदेश पाते ही गंगा कलकलनाद करते हुए एकदम स्वर से मुहा से कलकलनाद करते हुए गंगा स्वयं वहां प्रकट हुई। जब प्रकट हुई स्वयं सब लोगों ने देखा अपना आंखों से, मगर बाहर उसका जो ये है मगर मछुन का बाहर नहीं, उसको पर गंगा स्वयं प्रकट हुई। इसलिए सब लोग ने गंगा को दर्शन किया, गंगा को दर्शन नहीं किया, गंगा ने ब्रजवासियों को दर्शन। ये क्या गंगा को दर्शन करेंगे, ये गंगा उनको क्या पवित्र करेगी, ये तो पवित्र से पवित्र ब्रजवासी। गंगा ने सारे ब्रजवासियों को उन्होंने दर्शन किया, दर्शन करके अपना जीवन बंधन धन्य कर। इसलिए जो गंगा है ये मानस ही गंगा है, इसलिए वो जो गंगा है वो भगवान की बामन देव का चरण से वो गंगा निकली है, बामन देव का चरण से गंगा निकली। लेकिन ये कहाँ से निकली, कृष्ण के हृदय से, कृष्ण के हृदय से। इसलिए वो गंगा से कोटि गुण जो महत्व है ये जो मानसी गंगा, इसलिए ये मानसी गंगा में जो आचमन करेगा स्नान करेगा उससे जो फल मिलेगा उससे करोड़ों गुण फल मिलेगा जब तुम ये मानसी गंगा में स्नान करोगे। इसलिए देखा सारे ब्रजवासी गंगा में गोता लगा, गिरिराज ने देखा भैया सब जो गोता लगा रहे मैं क्यों बाकी रह जाऊं, इसलिए मैं भी तो गोता लगा लूं। इसलिए आप देखना गिरिराज सब जगह में देखोगे, गिरिराज ऊंचा है लेकिन यहाँ पर गिरिराज नीचा है। जब ये पानी सूख जाती है ना उसको नीचे स्वयं गिरिराज उसके नीचे जब सूख जाएगी आप देखोगे गिरिराज अंदर से गिरिराज जी स्वयं अंदर से गिरिराज जी प्रकट हो गए। मतलब यहाँ पर भी कृष्ण की मानसी गंगा में गिरिराज भी धोता लगा। इसलिए आज का दिन हम थोड़ी देर बाद में जाएंगे दीपावली मनाने के लिए जाएंगे, वहीं पर आज हम लोग ने गिरिराज आज मानसी गंगा प्रकट कर दी, आज उनकी आरती करेंगे, आज उनका दर्शन करेंगे।
तो आज जैसे भी महाराज जी ने बताया मानसी गंगा का प्रागट्य आज है, तो हमें बहुत सौभाग्य आज हम सब उठा के दिवाली मनाएंगे और वहीं पे दिए जलाने का अवसर, ये तो बहुत ही सौभाग्य से मिलता है किसी को। नहीं तो हर व्यक्ति अपने घर में लक्ष्मी पूजन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम वो उत्सव सेलिब्रेट करेंगे जो कि भगवान कृष्ण ने सेलिब्रेट किया कृष्ण के समय में, वही समय है ये। तो इसीलिए यहाँ पे जो लोग आए हैं वो इतना तो पक्का समझ लो कि वो बहुत ही सौभाग्यशाली और बहुत ही सुकृतिवान है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति की एंट्री हो ही नहीं सकती, ये पक्की बात है बिल्कुल। कोई भी जिसके पुण्य नहीं है, जिसके जिसने साधु का संग नहीं किया, वो व्यक्ति आ ही नहीं सकता यहाँ पे आज के दिन। हाँ वही व्यक्ति आ सकता है जिसने बहुत सुकृत जिसके इकट्ठे हुए, जिसने साधु की सेवा कर दी, ऐसे जाने अनजाने जिसके पास कुछ ऐसे पुण्य एकत्रित हो गए, तब उसको ये भाग्य मिला है। अब भाग्य मिलने के बाद भी उसको जान के जा जब हम करते हैं तो उसकी विशेष महिमा हो जाती है, क्योंकि उससे हम आनंद का अनुभव करते हैं। तो आज हम सब लोग बहुत हर्षोल्लास करते हुए जाएंगे। उसके बाद आज हम गए थे हरिदेव जी के मंदिर। तो ये जो हरिदेव जी का विग्रह है, ये वज्रनाथ जी द्वारा स्थापित हुआ था। इसकी कथा ऐसी आती है कि वज्रनाथ जी ने 16 विग्रहों की स्थापना की थी, भगवान कृष्ण के पड़पोती वज्रनाथ जी, इन्होंने 16 विग्रहों की स्थापना की थी, जिसमें थे 4 देव, 4 महादेव, 2 गोपाल, 2 नाथ और 4 देवियों। तो ये 4 देवों में थे हरिदेव, केशव देव, गोविंद देव और बलदेव। तो उसी में हरिदेव जी का विग्रह था। हरिदेव जी को मानसी गंगा में उन्होंने पधराया था, केशवदेव जी को मथुरा में, और बलदेव जी दाऊ जी जहाँ पे हम जाते हैं, हमारी परिक्रमा जाती है गोकुल के आगे, दाऊ जी महावन से आगे, और गोविंद देव जी वृंदावन में विराजते थे, जिनका एक प्रतिरूप फिर गोविंद देव जी चले गए जयपुर और प्रतिरूप रह गए वृंदावन में। तो इस तरह से 4 देव, 2 नाथ है, एक तो गोपीनाथ और एक श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जो यहाँ पे नाथ द्वारा से चले गए उदयपुर, जो यहीं पे जतिपुरा में मंदिर था, और दूसरे गोपीनाथ जी जो कि अभी वृंदावन में गोपीनाथ जी का मंदिर है ही, जिनका प्रतिरूप एक प्रतिरूप यही रह गया और एक दूसरे रूप से वो जयपुर में चले गए। और 2 गोपाल थे, मदन गोपाल और साक्षी गोपाल। मदन गोपाल जी जो कि मदन मोहन बन गए जब राधा जी को जानवा माने पधारे, पहले मदन गोपाल है, जब राधा जी साथ में आ जाते हैं तो मदन मोहन बन जाते हैं। तो मदन मोहन जो है, जिनको सनातन गोस्वामी ने कहते हैं कि वही मदन मोहन जी हैं जो कि वज्रनाथ जी ने स्थापित किए थे, ये भी मदन मोहन जी जो जयपुर से फिर बाद में करौली चले गए। तो मदन मोहन वही मदन गोपाल, और दूसरे हैं साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल एक भक्त की साक्षी देने के लिए यहाँ से उड़ीसा चले गए थे। और 2-4 महादेव थे, 4 महादेव में एक तो कामेश्वर महादेव है कामा में, गोपेश्वर महादेव है वृंदावन में, भूतेश्वर महादेव है मथुरा में, और चक्रेश्वर महादेव है जहाँ आज हम दर्शन करके आए हैं। तो आज हम 2 ऐसे विग्रहों के दर्शन करके हैं जो वज्रनाथ जी द्वारा स्थापित है, जिनमें थे एक महादेव चक्रेश्वर महादेव और दूसरे हरिदेव जी। और 4 देवियां थी, पाताल मथुरा देवी, मथुरा में हमने दर्शन किए जब हमारी परिक्रमा मथुरा में जाती है, वृंदा देवी जो कि पहले वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर में विराजती थी, अभी वो कामा में है, हम वहां जाएंगे दर्शन करने, हमारी परिक्रमा जाएगी। और दूसरी थी कौरमासी देवी और योग माया देवी, इस तरह से 4 देवियां। और फिर 4 ये मनसा देवी, सॉरी कौरमासी देवी नहीं, मनसा देवी। जब आज एक मनसा देवी का जो हम मंदिर गए थे वो भी वज्रनाथ जी द्वारा स्थापित है। 4 देवियों में से आज हमने एक देवी, एक देव और एक महादेव जी के दर्शन किए मानसी गंगा पे जो विराजते हैं। तो ये मानसी गंगा भी बहुत दिव्य स्थान है, यह सब तीर्थों ने आगे स्थान लिया है। जहाँ पे हम लोग परिक्रमा करके हरिदेव जी के मंदिर जाके वहां से मानसी गंगा होते हुए निकले थे, वहीं पे एक साइड में मानसी गंगा के किनारे पे कमरा सा बना हुआ है, वो जो किनारे पे वो रूम है, उसी जगह पे चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी जो कि वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हैं, उनका मीटिंग प्लेस है, यहीं पे मानसी गंगा पे उनका मिलन हुआ था। और यहीं पे इसके आगे जाके जब हम मानसी गंगा की परिक्रमा करते हुए चक्रेश्वर महादेव गए थे, वहीं पे सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी है, वहीं पे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ था, वहां भी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बैठे थे आगे परिक्रमा करते हुए गिरिराज। और वहीं पे ही महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक है, और वहीं पे ही अष्टशाख के कवि हुए नंददास जी, जैसे तुलसीदास जी हुए उनकी चचेरे भाई थे नंददास जी, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिख दी थी चौपाइयों में, नंददास जी ने भागवत लिख दी थी चौपाइयों में, लेकिन सबने कहा कि भैया जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख दिया तो वाल्मीकि रामायण को कोई नहीं पढ़ता, तो इस भागवत के होते हुए तो भागवत तो को कोई पढ़ेगा ही नहीं, इसीलिए उसको पानी में बहा दिया गया था, सिर्फ रास पंचाध्यायी 5 अध्याय उसके रखे गए हैं। तो वो नंददास जी उनकी जो प्रवेश द्वार है वो भी वही है जिन्होंने गिरिराज में शरीर को छोड़ा था। तो ये जो मानसी गंगा जहाँ पे हम आज गए थे, ये बहुत ही दिव्य स्थान है, जहाँ पे हम बैठे हैं हमारे गुरुदेव की कृपा से बहुत ही दिव्य स्थान है, इसकी महिमा को कोई बता ही नहीं सकता, कितने वाक्यों में पता नहीं कितने दिन लग सकते हैं इसकी महिमा का गान करते रहे।
तो जो आज हम थोड़ा सा कथा कर लेते हैं हरिदेव जी पे, हरिदेव जी का जो विग्रह था जो वज्रनाथ जी ने स्थापित किया था, वज्रनाथ जी ने जब हरिदेव जी को स्थापित किया उसके बाद काल कर्म के अनुसार ये जो विग्रह है वृक्ष कुंड है, यहाँ बड़ी परिक्रमा में जहाँ पे बड़ी परिक्रमा खत्म होने को आती है वहीं पे कुंड है वृक्ष कुंड जहाँ पे राधा जी की विश्व हो गई थी, कृष्ण भगवान ने उसको ढूंढा था, तो वहीं पे ये विग्रह जमीन के अंदर था। तो हरिदेव जो थे विग्रह वहीं पे था। एक संत हुए थे केशवाचार्य जी, उनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। उनके माता पिता जब ये थोड़े बड़े हुए तो उनके माता पिता ने कहा कि बेटा आप शादी करो, तो इन्होंने कहा कि मैं तो मुक्ति करूंगा। कहते तुम्हारे ऊपर जो ऋण है वो कैसे उतरेंगे? कहते कई तरह के ऋण होते हैं, मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, तो वो सारे ऋण कैसे उतारोगे? तो तुम्हें शादी करनी चाहिए, विवाह करना चाहिए। तो फिर उन्होंने वही वाला श्लोक जो करभाजन जी ने योगेश्वर संवाद में आता है कि देवऋषि भूत आपना पितृ नाम न किंकरो नायम ऋणी चराजन, छह तरह के जो ऋण होते हैं वो सब जो ऋण है सब वैसे सब प्रकार के ऋणों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है जो कि सर्वत भाव से भगवान कृष्ण के शरण में चला जाता है। तो उन्होंने ये श्लोक बोला अपने पिताजी को, उनके पिताजी अवाक हो गए। तो कहते बेटा अगर तुम भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती, तो तुम्हें आज्ञा है मेरी तरफ से, आप जाओ वृंदावन। और जो वृंदावन आए तो यहाँ पे गहवर वन में एक संत विराजते थे ज्ञानदेव जी, उन्होंने उनको दीक्षा दी कृष्ण मंदिर में। और फिर उसके बाद उन्होंने भजन शुरू किया तो एक दिन भगवान ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया कि मैं वहां पे वृक्ष कुंड पे, मुझे वज्रनाथ ने स्थापित किया था, मैं वृक्ष कुंड पे हूँ, मुझे वहां से निकालो और मुझे स्थापना करो। तो इन्होंने कहा प्रभु मैं आपको निकालूंगा तो, लेकिन मेरे दो व्रत हैं, एक तो मैं युगल उपासक हूँ, दूसरी बात मेरा निष्किंचन व्रत ना खंडित हो जाए कि मैं किसी से, आप निकलोगे तो आप भगवान की सेवा पूजा राग की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो मैं किसी से मांगूंगा नहीं। तो मेरा दो व्रत जो है कि तो मैं युगल उपासक हूँ और दूसरा मेरा निष्किंचन का व्रत ये खंडित ना हो। तो भगवान ने कहा ऐसा है, पहली बात जो तुम कह रहे हो कि युगल उपासना वाली कि मैं हरिदेव जी का विग्रह तो एक ही दिखाना विग्रह है, राधा जी तो वहां दिखी नहीं। तो भगवान ने कहा आज मैं तुम्हें गुप्त बात बताता हूँ। कहते जब मैंने गिरिराज जी को धारण किया था, वसुधर महाराज की जय। समस्त जीवित हो पूरा परिक्रमा जीवित हो प्रति ये क्रिया में हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा। आज दीपावली है, अभी हम लोग जाएंगे सबके सब मानसी गंगा जाएंगे, क्योंकि आज का दिन मानसी गंगा की प्राकट, आज का दिन ही मानसी गंगा प्रकट हुई थी, इसलिए आज दीपावली है। इसलिए शायद रामचंद्र जब वापस आए सारे अयोध्या वासी भगवान को दीप दान देकर उनको स्वागत किया था भगवान, इसलिए आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। अभी फिर कल हमारे हर शुक्रवार है, ठीक है, तो जल्दी आ जाना। इसलिए कल फिर उसको वहीं से फिर कल आज जल्दी आ जाना, ठीक है, फिर कल आएगी ही आएगी, बस वसुधर प्रभु आएंगे और भी सब महाराज लोग आएंगे, फिर कल अच्छे तरह से फिर और सुनेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, अरे एक कीर्तन कर देते हैं। बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauru Bhakta Vrinda ki jai, Gauru Brahmananda ki jai, Hari Hari Bol.